श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। श्री गुरु श्री महापुराण कथा के छठवें दिवस गुरु जी के पास इतने आश्चर्यजनक पत्र आए जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहला पत्र जो आया हुआ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे और पढ़ के भी सुनाऊंगा कि कौन से उपाय करने से उनको किस चीज़ों में लाभ हुआ। तो पहला पत्र आया हुआ था स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार जी का था जो कि हरियाणा से थे। इसने पत्र में ये लिखा हुआ था कि इनको पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ गठान टाइप से हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली एम्स में 15-20-2021 को उन्होंने अपना ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि उनका पेट को चीरा लगाया, उसके बाद ऑपरेशन करने की पूरी तैयारी कर दी। लेकिन गठान जो थी जहाँ पे थी डॉक्टर ने बोला कि गठान का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और उसने क्या किया पेट का ऑपरेशन जो मतलब पेट में जो चीरा लगाया था फिर उसने बंद कर दिया उस चीज़ों को, क्योंकि गठान कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ से वो इससे निकाला ही नहीं जा रहा था और उसे ठीक नहीं मतलब ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर आने के बाद जो गठान का प्रॉब्लम हो गया था इन्होंने बेलपत्री खाना शुरू किया और बेलपत्री की कृपा से ऐसा हुआ कि धीरे 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 वो गठान ठीक हो गया। ये सब महादेव की कृपा है जो कि महादेव ने ऐसा हुआ और अच्छा हुआ। अगला पत्र जो आया हुआ था गजेंद्र कुमार साहू जी का जो कि छत्तीसगढ़ से थे, इन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी बेटी सष्टिका साहू जी का गर्भ ठहर गया था 6 महीने के बाद। जब डॉक्टर के पास गई सोनोग्राफी करवाने के लिए यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि बच्चा सही है या नहीं है, तब डॉक्टर ने बोला कि बच्चा का विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा अपगंत है यानी ठीक नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत आ गई है और मतलब मस्तिष्क में पानी भर गया है, तो जिसके कारण बच्चा को गिराना की सलाह दी गई डॉक्टर के द्वारा और बोला गया कि अगले बार जो है आपकी बेटी माँ भी नहीं बन सकती है। तो उसके बाद ये सब अपने घर आ गए और उनके घर पे आने के बाद ये सब अपना परिवार जो है इनका जो कि गुरुजी ने बताया हुआ था कि सलाह दिया गया कि आप जो है शिव महापुराण की कथा सुने, फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और उसमें गुरुजी ने बताया हुआ था कि एक उपाय कि एक मोली का जो धागा होता है लाल कलर का उसको नारियल में बांध कर मतलब नारियल में लपेट कर शिवजी पे चढ़ाने का और उसके बाद बेलपत्री को जो है वो मंदिर से ला के डेली सेवन करना शुरू किए। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा नॉर्मल हुआ और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चा आपका स्वच्छ है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप मेरे स्क्रीन पर उस बच्चे का तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अब अगला पत्र की हम बात कर लेते हैं कि अगला पत्र जो आया हुआ था वो था कमलेश जी गुज्जर का जो कि राजस्थान से थे। इन्होंने पत्र में लिखा था कि गुरुजी मैं बहुत संकट में थी, 2011 में पैरालिसिस हो गया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद पति को अटैक आया था, वो भी भगवान की दया से दवाई लेने पे ठीक हो गए। 2022 में गुरुजी गले में दर्द हो रहा था और खाया भी नहीं जा रहा था, जब डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो पता चला कि कैंसर हो गया। वो बहुत दुख मतलब दुख तो हो ही सकता है किसी को भी जो कोई भी कैंसर का नाम सुनते हैं। तो फिर उनके दीदी ने बताया कि आप शिव महापुराण की कथा सुना करो। उन्होंने फिर शिव महापुराण की कथा सुना, उसके बाद जो कथा में गुरुजी ने बताया था कि एक लोटा जल और एक चावल का दाना डालकर शिवलिंग पे चढ़ाने का और उसका जल का आचमन करना और बेलपत्री खाना, बेलपत्री वो खाया तो जा नहीं रहा था तो उन्होंने क्या किया था बेलपत्री को पीस कर उन्हें खिलाना शुरू किया। फिर उन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े दिन के बाद जो भी उनको प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे समाप्त होते चला गया और वो खुद से अब खाने भी लगे हैं। एक चौथा पत्र जो आया था वो पत्र मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ी सी हंसी आएगी। उन्होंने पत्र में ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे प्रिय ससुर जी सीहोर वाले, मैं आपका सीहोर का दामाद, इस तरह से कुछ उन्होंने लिख के भेजा था, ठीक है ना। तो उस पत्र में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं था, उन्होंने बस जितने भी भक्तजन सीहोर आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आप खाना को फेंकते हैं डस्टबिन में तो कोशिश करें कि थैले के साथ नहीं फेंके, क्योंकि अगर गाय कोई खाती है तो थैले के साथ खा लेती है जिनसे कि कैंसर होने का डर रहता है गाय को। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने एक सलाह दी थी। और लास्ट पत्र जो आया हुआ था वो था अहिल्या यादव जी का, जिनके ऊपर 20 लाख का कर्जा था कोरोना काल से और महादेव की ऐसी कृपा हुई थी कि उनका कर्जा 15 लाख समाप्त हो गया और 5 लाख सिर्फ कर्जा बचा था। तो ये सब महादेव की कृपा है। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर विश्वास के हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो महादेव जरूर आपका भी साथ देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।